नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कर दिया है तो धन्यवाद। मैं शॉर्ट वीडियो तो बहुत बनाती रहती हूँ, बट लॉन्ग वीडियोज़ बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता। कुछ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट आज मैंने डिसाइड किया, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है बहुत अच्छी, तो आई हैव डिसाइडेड कि आज मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं जाना है। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ ताकि हम टाइम से निकल सकें और जहाँ हमें जाना है वहाँ हम टाइम पे पहुँच सकें। बिकॉज मैं जहाँ जाने वाली हूँ वो है मंदिर, योग माया मंदिर, तो वहाँ हमें टाइम से ही पहुँचना चाहिए। तो आई एम रेडी नाउ, लेट्स गो। बिकॉज मुझे मेहरौली जाना है, योग माया मंदिर मेहरौली में स्थित है, तो उसके लिए मुझे ऑटो ही लेना पड़ेगा। तो लेट्स गो। मुझे ऑटो मिल गया है, घर के पास ही मुझे ऑटो मिल गया था, और मेहरौली का रास्ता आप जानते हैं, ये है योग माया मंदिर का जो एंट्री से हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ से मैंने लिए फूल, वहाँ पे और कोई मिठाई की शॉप नहीं थी, बिकॉज मैं भी पहली बार गई थी तो मुझे नहीं पता था कि प्रसाद कहाँ से लेना है, तो एक ही शॉप थी वहाँ से, तो वहाँ से मैंने फिर प्रसाद के लिए जो माता रानी को चढ़ाने हैं फूल वो मैंने ले लिए वहाँ से। और ये देखिए, ये जो मेन एंट्री है मंदिर की, ये मेन एंट्री है। प्रश्न उठता है कि योग माया कौन थी, तो उसका जवाब है योग माया कृष्ण जी की बहन थी। उनका जन्म गोकुल में यशोदा और नंद के घर हुआ था, उसी समय जब कृष्ण जी का जन्म कालकोठरी में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ, परंतु कालकोठरी से उनको निकाल के गोकुल में ले जाकर योग माया से बदल दिया गया। योग माया को कालकोठरी में लाया गया। जैसे ही कंस मामा को पता चला कि आठवां बालक देवकी को हो गया है, वो वहाँ आए और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो लड़की है या लड़का, उन्होंने उसको मारा। जैसे ही उन्होंने उसको योग माया को पत्थर पे पटका, उसी टाइम वो बिजली बनकर ऊपर गई और उन्होंने ये आकाशवाणी की कि तुम जिन बच्चों को मार रहे हो उन वो सब करना बंद करो, अब तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, और आगे की स्टोरीज आप जानते हैं। तो इसी स्टोरी से योग माया का जन्म पाया जाता है कि महाभारत काल में उनका, महाभारत काल से उनकी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो योग माया का जो शीश है, ऊपरी हिस्सा है, वो है मेहरौली में, और माना जाता है कि वहाँ आप जो भी इच्छा मांगते हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो ज़रूर पूरी होती है, और भक्त वहाँ जाकर जो भी उनकी मनोकामना है वो उसके लिए वो जो भी बोलते हैं वो वहाँ जाकर उसको पूरा करते हैं। कोई फूलों से माता रानी को सजाता है, कोई फल से सजाता है, तो जो भी जिसकी मनोकामना होती है वो उसी तरीके से अपना भाव माता रानी को प्रकट करता है। तो मंदिर का जो परिसर है वो बहुत सुंदर है, वहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्ति हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति हैं। ये जो एरिया आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे चुन्नी सबने बांधी हुई है माता की, ये सब माता से जब हम मनोकामना मांगते हैं तो लोग यहाँ पे बिंदी चूड़ी और चुन्नी को बांध देते हैं, मैंने भी बांधी है, तो जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ आके उस चुन्नी को खोल देते हैं। मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे माता रानी के सामने बैठी। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि सभी को किस तरह के वस्त्र पहन के आने, वैसे मैं तो हमेशा मंदिर जाती हूँ तो सूट ही पहन के जाती हूँ, बट अब मंदिरों में ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी जगह लिखा रहता है कि आप सभ्य कपड़े पहन के आएँ। इस मंदिर में मैंने ये भी देखा कि जिसकी जो कामना होती है वो पूरी होने पे वो कुछ भी कराते हैं यहाँ पे, जैसे कोई घंटे चढ़ाते हैं, जैसे मंदिर की छोटी घंटी बड़ी घंटी आप ये देखिए कितनी घंटियाँ यहाँ पे टंगी हुई हैं, तो जिसकी जैसी चाहत होती है वो माता के लिए उस तरीके से अपने भाव को प्रकट करते हैं। और देख के आप माता की मूर्ति को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका मन मोह लेगी वो मूर्ति,
ये आंटी जी भी बहुत अच्छी थी, मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए दिया और इनसे बनी नहीं, बहुत स्वीट थी आंटी। उसके बाद मैंने दर्शन करके कुछ देर बैठने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। ये मंदिर का जो कॉरिडोर था ये था, और यहाँ भी बाहर भी लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, यहाँ थोड़े से झरोखे भी हैं ताकि अंदर रोशनी अच्छे से चली जाए। बाहर निकलने के बाद मंदिर की स्थापना की जो कहानी है वो भी बाहर लिखी हुई है, अगर किसी को कुछ ना पता हो तो वो वहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर मैं बाहर निकलती हूँ, बाहर निकलते वक्त मेरे को, क्योंकि मुझे ऑटो लेना था, मैं गाड़ी लेके नहीं आई थी, तो ऑटो के लिए मुझे थोड़ा वॉक करके जाना था और मैं हील्स पहन के आई थी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाहर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था तो मुझे बाहर जाते ही ऑटो मिल गया। इस मंदिर तक जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं ऑटो से गई थी। आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो वहाँ पार्किंग की भी जगह है, आप पार्किंग आराम से करके अंदर वॉक करके जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरी शॉर्ट्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।